बहुत बड़ा पाप हम लोग कर रहे हैं। तीसरा जो आगे का है रीजन वो है ऑयल लीक्स। ऑयल लीक्स यानी क्या, ये जो क्रूड ऑयल की हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये क्रूड ऑयल जिससे ऑफकोर्स अभी पेट्रोकेमिकल भी सभी चीजें वहां से आती है, ये क्रूड ऑयल जिससे अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रहे हैं और हमारा मिशन है कि इसको पूरी तरह से बंद कर दे, ये क्रूड ऑयल एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरी जगह जब जाता है ना, तभी बड़े बड़े जहाजों में जाता है और न जाने कितने सारे जहाजों से ये तेल नीचे समुद्र में जाता है और इतनी बड़ी मात्रा में जाता है। कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं इस ऑयल एंड गैस के जो प्रॉपर समुद्र में है, उससे भी ऑयल लीक होते हैं। और इसका अगर आप देखोगे तो लगभग आज की तारीख में ऐसे कहा जाता है, ये रिपोर्ट है, 300 से 700 बैरल पर डे, इतना तो ऐसे हर दिन 300 से 700 बैलर जाते हैं ये जो कंपनियां काम करके। लेकिन ये बहुत, ये जो आंकड़े वो बता रहे ये बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत ही कम। कैसे पता चलेगा कि आपने कितना पानी डाला अंदर, नहीं पता चलेगा ना। एक्चुअली वो क्लेम करते हैं ना कि हमारे यहां से इतना सब तेल समुन्द्र में गिरा, तो उससे 100 से 500 गुना तक इतना तेल आज समुन्द्र में जाता है, हर दिन जा रहा है। ये क्रूड ऑयल की हम लोग बात करें, क्रूड ऑयल को पता नहीं कि कहाँ कहाँ नुकसान कर रहा है, और ये जब जाता है ना, ये पूरी तरह से उस इकोसिस्टम को बर्बाद करके रखता है। दोस्तों हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में आग लगी, ऑस्ट्रेलिया में आग, उसके ऊपर एक पिक्चर भी, मूवी भी निकली अमेजोन के ऊपर, बर्निंग, आप देखिए आपको पता चलेगा, आपको लगेगा कि क्या कर रहे हैं हम लोग। वहां 5 करोड़ जो जानवर थे वो मर गए, 5 करोड़। लेकिन समुद्र के बारे में वो तो सामने से दिखा, हमें दिखाई कि आग लगी और आग में इतने सारे लोग या इतने सारे जो जानवर है वो मरे, इतना नुकसान हुआ, पानी का क्या, समुद्र में इतना जहाज जाती है, सब तेल आता है, कोई रिपोर्ट करता है नहीं करता है। लेकिन उसके वजह से ये जो जिनकी दुनिया वो पानी है उनका क्या होता हो रहा है, होता रहेगा, और कितना आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एग्रीकल्चर नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन जिससे होता है ना, वो है एग्रीकल्चर, कृषि। क्यों? क्योंकि आज कृषि में क्या करते हैं हम लोग, केमिकल की फार्मिंग करते हैं। कृषि में क्या करते हैं तो कैंसर की फार्मिंग करते हैं। ये जो कैंसर विंसर हो रहा है, मैडम ने जो बताया, ये सभी इसीलिए हो रहा है कि हम लोग ये जो पौधों में जो देना चाहिए ऑर्गेनिक, उसको ना देते हुए केमिकल डालते हैं। यहां तक कि हमारे जो बीज है ना, बीज आज की तारीख में बीज भी जेनेटिकली मॉडिफाइड, उसमें भी केमिकल डाल के आप उसको उगा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको मिलना चाहिए इनकम, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर डालते हो, उसमें केमिकल इंसेक्टिसाइड्स डालते हो, पेस्टिसाइड्स डालते हो, इतना सब कुछ डालते हो। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना कृषि, ये सब केमिकल्स से बना हुआ ये फील्ड है, पूरा केमिकल छाया हुआ है इस खेतों में और हर जगह। ये जाओगे ना पूरा, वो जब पूरा केमिकल से बना हुआ वो खेत है, वो फैक्ट्री है। और फिर उससे क्या होता है, जब भी पानी बारिश गिरती है, बारिश अपने साथ पूरे जो केमिकल्स हम लोगों ने बिछाए हुए हैं उसको लेके वो समुद्र में जाती है, नदियों में जाती है, तालाब में जाती है, और यहां से फिर शुरू होता है ये कैंसर का सफर। क्योंकि जो चीजें जो पेस्टिसाइड, जो इंसेक्टिसाइड आप डालते हो उसमें, दे आर नोन कार्सिनोजेंस। कैंसर किसकी वजह से होता है, अगर आप इसका सवाल पूछोगे कौन से केमिकल से होता है, तो एक्चुअली वो केमिकल जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है रेडियो एक्टिव। जैसा मैंने कहा कि रेडियो एक्टिव चीज है जो समुद्र को सब लोग बोलते हैं कि डंपिंग ग्राउंड, तो और रेडियो एक्टिव यानी न्यूक्लियर एनर्जी जिससे निकलती है, न्यूक्लियर बॉम्ब जिससे बनता है, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उनका रहते हैं। उनका सिर्फ बॉम्ब या एनर्जी में नहीं, तो कई सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है उसमें उसका उपयोग होता है, यानी इंडस्ट्रियल, मेडिकल, साइंटिफिक प्रोसेस में उसको इस्तेमाल हो जाता है रेडियो एक्टिव। और ये रेडियो एक्टिव कई हजारों सालों तक, सैकड़ों सालों तक वो उनका विघटन चलता रहता है, और आजू बाजू इतना नुकसान कर सकते हो कि उसके रेडिएशन की वजह से ये जीव जिंदा नहीं रह पाते। और ये क्या है, आज की तारीख में जो भी इनका जो इस्तेमाल हो रहा है ना, वो ये जो उनकी फैक्ट्रियां होती है उनको बहुत बड़ी क्वांटिटी में पानी लगता है, क्योंकि उनके रिएक्टर्स ठंडा करने के लिए और बाकी की जो चीज वेस्ट निकलती है उसको डालने के लिए, पूरा वेस्ट यहां से जो निकलता है ना वो पानी में जाता है। चाहे वो ऊर्जा के लिए कुछ प्लांट हो, न्यूक्लियर प्लांट हो, या ये जहां जहां रेडियो एक्टिव का वेस्ट तैयार होता है इंडस्ट्री में,
वो उठाते हैं और डंप कर देते हैं पानी में। तो ये थे कई प्रकार जिसके वजह से आज सरफेस पानी खराब हो रहा है। और वैसे ही ग्राउंड वाटर कैसे पोल्यूशन होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ग्राउंड वाटर यानी समझिए कि जमीन के अंदर का पानी, वो पानी जो नीचे जहां जहां दरारें होती है जमीन में, जहां जहां जगह मिलती है वहां जाके पानी अपने आप बैठता है, तो उसको कहते हैं हम लोग ग्राउंड वाटर। और इस ग्राउंड वाटर में दो चीजें हमको समझनी पड़ेगी, एक तो पोल्यूशन और दूसरा कंटामिनेशन। हमने देखा पोल्यूशन यानी क्या, कि एक बार उस पर वो चीज आ गई तो आप उसका कहीं इस्तेमाल ही नहीं, किसी का कोई लाए कि नहीं छोड़ दे, इस तरह से उसको बर्बाद करना यानी पोल्यूशन है। लेकिन कंटामिनेशन यानी ऐसा होता है कि उसमें कोई नो जो नहीं चाहिए चाहिए ऐसी चीज उसमें होती है, लेकिन फिर भी उसका उपयोग होता है, उसको कहते हैं कंटामिनेशन। ग्राउंड वाटर में मैक्सिमम कंटामिनेशन होता है। नंबर वन जो कुछ है सबसे ज्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड जिससे कंटामिनेशन हो रहा है वो है आर्सेनिक और फ्लोराइड, ये केमिकल्स। ये केमिकल्स ऐसे है कि जिससे कई सारी बीमारियां आज की तारीख में लोगों को होती है। अगर आपके पानी में, पीने के पानी में अगर ये है और आप इसको पीते हैं तो बहुत सारी बीमारियां होती है, स्किन डिजीजेस, डायरिया वगैरह से लेकर कैंसर तक होती है। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ये जो प्रभावित क्षेत्र है जहां ये पॉल्यूशन हो रहा है वो भारत है। इसमें से जो आर्सेनिक है वो तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ज्यादा दिन तक अगर आपने इसको पिया तो ये कैंसर तक हमें 100% चला जाता है। और इसका कारण है माइनिंग, ये जो खदानें होती है, खदानें, ये खदानों से ये आर्सेनिक निकलता है, ये पानी निकलता है और वो पानी में अंदर जाता है। ग्राउंड वाटर में कहाँ से आता है आर्सेनिक, तो इससे आता है। तो हमारे देश में भी बेल्ट की जहां ये आर्सेनिक की बीमारी बहुत ज्यादा है वो कहाँ है, तो वो जगह जहां ये खदाने ज्यादा है यानी मध्य भारत और उत्तर भारत है। वैसे ही फ्लोरोसिस, ये फ्लोराइड जो होता है वो फ्लोरोसिस तैयार करता है। अभी फ्लोरोसिस हमने सुना होगा कि फ्लोरोसिस दांत के डॉक्टर ने आपको कहा कि आपको फ्लोराइड की कमतरता है या जो भी है आपको फ्लोरोसिस हो सकता है, लेकिन फ्लोरोसिस पूरे बदन पे जब जब आप डेवलपमेंट की आपकी एज होती है अगर वो तब लिया तो इस तरह से जो बोन फॉर्मेशन, बोन डेवलपमेंट होता है वो हो नहीं पाता। और आप देखेंगे तो कई गांव में बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे दिखाई देंगे, क्योंकि वहां उस गांव में जो जो कुएं या कुएं का इस्तेमाल हम करते हैं या वो लोग करते हैं, जो बोरवेल का इस्तेमाल करते हैं, उस पानी में बहुत ज्यादा ये आर्सेनिक और फ्लोराइड होता है, तो वो गांव के गांव इस तरह से अफेक्ट होते हैं। दूसरा जो चीज है जो कंटामिनेंट है वो है पैथोजेंस। पैथोजेंस सारे क्या, वो सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी इसमें बैक्टीरिया है, वायरस है, सूक्ष्म जीव है, जंतु है, जिससे बीमारी फैलती है और ये बहुत बड़ी मात्रा में हमारे देश में। मैंने कहा ना कि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है टॉयलेट के इस पानी से, और ये जो टॉयलेट का पानी है, ये जो सैनिटेशन है, इससे और सिर्फ मनुष्य ही नहीं बाकी के जो जानवर है ना, जो गोबर की बात करते हैं या बाकी किसी भी जानवर की बात, इसमें सभी उस टॉयलेट में, मनुष्य से लेकर जानवर के टॉयलेट में ये सभी पैथोजेंस होते हैं, ये सभी बीमारियां तैयार करने वाले कीटाणु होते हैं। और इस कीटाणु की वजह से टाइफॉइड, कॉलरा, डायरिया ऐसी ऐसी बीमारियां होती है। ये वैसे जैसे आपने कोरोना का अभी सुना, देखा, वो सबको मालूम है कोरोना का कैसे दिखता है वो वायरस, कोरोना का वायरस, वैसे ही वो बीमारी तैयार करने वाली, ये एकदम टिपिकल है। पानी का जब कोई भी एग्जामिनेशन होता है ना तो वो देखते हैं कि ये है कि नहीं, और बहुत बड़ी मात्रा में ये होता है। इसको एक्चुअली 20 के कम होना चाहिए पर 100 ml, लेकिन भारत की जैसी परिस्थिति है वो 100 के कम, और एक नंबर है ऐसा समझिए कि एक एक ऑर्गेनिज्म, एक बैक्टीरिया जो 100 बहुत यानी बहुत ज्यादा हो गए, उसके कम तो होना ही चाहिए अगर आपको पानी पीना। जमुना में वो, यमुना में वो 500 के आगे है, तो आप सोच सकते हैं कि पोल्यूशन क्या है। और इसीलिए 80% जो पेशेंट आज हमारे हॉस्पिटल में है ना, 80% यानी उसमें कोरोना लीजिए, कैंसर लीजिए, सब कुछ लीजिए, उसमें से 80% पेशेंट सिर्फ पीने की पानी की जो बीमारी है उसके उसकी वजह से एडमिट होते हैं। तीसरा है नाइट्रेट्स। दोस्तों नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन नॉर्मली बहुत बड़ी मात्रा में पूरे इस पर्यावरण में, हमारे हवा में भी 78% नाइट्रोजन, और जो टॉयलेट्स है, जो मनुष्य है या बाकी के प्राणी है उसमें भी ये होता है, हमारे फर्टिलाइजर में भी नाइट्रेट होता है। बहुत बड़ी तादाद में अगर ये पानी में चला गया तो इसकी वजह से क्या होता है, यूट्रोफिकेशन, यानी अगर अंदर के पानी में
अगर ये चला गया।